नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट की नेविगेशन में एक्टिव लिंक लगा सकते हैं। एक्टिव लिंक मतलब ये हो गया कि आप जब किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में या नीचे कहीं फुल स्क्रीन में नेविगेशन होती है वेबसाइट की, उसके अंदर अगर आप ब्लॉग के पेज पर जाते हैं तो ब्लॉग का जो टैब होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इन द सेंस मतलब या तो उसके पीछे बैकग्राउंड कलर होता है या उसका कलर चेंज हो जाता है, मीन्स इससे भी पता चलता है कि आप ब्लॉग के पेज पे हैं। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट के पेज में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट का जो टैब होगा वो एक्टिव हो जाएगा, सर्विस का पेज होगा तो सर्विस का टैब ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया जिसके अंदर एक्टिव हाइफन लिंक नाम से प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसके अंदर हमने खाली पेजेस ब्लैंक पेजेस ले लिए, about.php, blog.php, contact.php, index.php, navigation.php और ये service.php। तो फिर इन सब पेजों के अंदर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया HTML का और यहाँ पे एक स्टाइल शीट लिंक कर दी है। और बस मतलब पता करने के लिए अभी हम किस पेज पे हैं, तो इसलिए मैंने बस एक H1 के अंदर यहाँ पे होम पेज लिख दिया। अबाउट के पेज में होंगे तो अबाउट अस पेज आएगा, ब्लॉग के अंदर ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट अस पेज। इसी तरह से मैं सभी पेजों में लिख दिया है और सभी पेजों के अंदर हमने style.css पहले से लिंक कर दिया जिससे कि हमारा टाइम बचे और आपको मैं जल्द ही मतलब कम समय में बता सकूं। और मैंने जो एक navigation.php फाइल ली है, इस फाइल को हम सभी पेजेस के अंदर लिंक करेंगे और लिंक आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको अपनी नेविगेशन को पुट करना है। अब जैसे मैं इससे ये जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है इससे पहले पुट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये मैंने PHP को ओपन और PHP को क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर _1। Required ones means आप इस पूरे पेज के अंदर एक navigation.php फाइल को केवल एक बार लिंक कर सकते हैं। अगर आप दो बार भी लिंक करते हैं तो दूसरी बार वो वर्क नहीं करेगा, पहली बार ही वर्क करेगा। तो मैं इसको पूरे को कॉपी करके इन सभी पेजेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ जो हमने बनाए थे। मैंने सभी पेजेस के अंदर देखिए लिंक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस navigation.php के अंदर एक बेसिक सा नेविगेशन बनाऊंगा, उसके बाद उस पर एक्टिव लिंक लगाएंगे। मैंने एक आईडी ले ली नेविगेशन की जिसके अंदर एक मैंने लोगो लूंगा, लोगो के अंदर अपने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी मैं इसके अंदर कोई ना तो एंकर टैग लगाएंगे, सिर्फ बेसिक सा हम लोगो बना देंगे जिसमें मैं लिख दूंगा अपने लोगो का नाम। मैंने लोगो बना दिया है। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन लिख दूंगा, क्लास लेंगे हम इसकी नेविगेशन की नेव बार। यहाँ पे URL लेंगे, li लेंगे, li के अंदर एंकर लेंगे, एंकर में हैश वैल्यू डाल के जो हम पेजेस जो हमने पेज लिए थे हम उसके टैब क्रिएट कर देंगे। मैंने सभी पेजेस के टैब क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर हम पाथ दे देंगे जो हर एक पेज का। मैंने सभी में पाथ भी दे दिया है। अब मैं ब्राउज़र पर चेक करता हूँ, ब्राउज़र पे मैं पेज रीलोड करूँगा तो देखिए नेविगेशन आ रही है। यहाँ पे हमारा ब्रांड लोगो भी आ चुका है। अब मैं सभी पेजेस पे क्लिक करके देख लेता हूँ क्या ये सभी में लिंक हो चुकी है और वर्क कर रही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर चेंज होता रहेगा और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ये भी चेंज हो रहा है। कॉन्टैक्ट में आया तो कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लॉग में आया तो ब्लॉग में, सर्विसेज में सर्विस पेज ओपन हो गया, अबाउट अस भी हो गया और होम भी हो गया है।
अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा डिज़ाइन करूँगा, बेसिक डिज़ाइन करेंगे अब इसके अंदर, ज़्यादा हाई फाई डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको केवल एक्टिव लिंक लगाना सिखाऊँगा इस क्लास के अंदर। तो जो एक हमने आईडी ली थी, मेन आईडी इसका नाम है नेविगेशन। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टार लिख के यहाँ पे बेसिक जो मार्जिन और पैडिंग है वो जीरो कर लेंगे। अब मैं हैश आईडी के साथ जो हमने लिखा था नेविगेशन, उसके साथ उसी में हमने एक लोगो नाम से एक क्लास ली थी, लोगो। इसकी फॉन्ट फैमिली हम रोबोटो लिख लेंगे क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। रोबोटो लिख लिया हमने इसकी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट वेट हम इसका 600 लिख लेंगे। कलर हम इसको रेड दे देंगे। फॉन्ट साइज हम इसको देंगे 25 पिक्सल। सेव करके चेक करते हैं और इसको हम कैपिटलाइज भी कर लेंगे, मीन्स अपर केस कर लेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, बोल्ड और कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। बोल्ड कर लिया मैंने यहाँ पे, देखिए फॉन्ट का साइज थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 35 करके देखते हैं। 35 बहुत ज़्यादा हो गया है, 30 आप देखिए सही से नज़र आ रहा है। अब मैं इसको नेविगेशन को सही कर लेता हूँ। नेविगेशन को सही करने से पहले मैं इसी क्लास के अंदर लोगो के अंदर इसकी डिस्प्ले सेट कर लेता हूँ, टेबल सेल वर्ड डिस्प्ले टेबल सेल वर्टिकल लाइन टॉप। सेव करके चेक करेंगे। उसके बाद हम नेविगेशन नाम की आईडी के साथ हम नेवबार आईडी लिख लेंगे, नेविगेशन। उसके बाद हम क्लास लिखेंगे नेवबार, इसकी डिस्प्ले हम कर देंगे टेबल सेल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे टॉप। तो देखिए ये राइट साइड में आ जाएगा, ये आ चुका है। अब थोड़ा सा इसके बाद जो हमारा ये यूएल है इसको हम टेक्स्ट लाइन राइट कर देंगे, टेक्स्ट लाइन राइट। सेव करेंगे तो देखिए ऐसा हो गया है। अब हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे, विड्थ हम इसको 750 पिक्सल दे देंगे। तो 750 में देखिए ऐसा हो चुका है। और हम 750 अब हम थोड़े और देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे 850 करके चेक करते हैं। तो देखिए 850 बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो हमें इसकी जो विड्थ है वो 850 कर दी है। अभी हम इस लोगों को भी थोड़ा सेट कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल चुपका हुआ आ रहा है। इसको हम यहाँ आओ, हम इसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग देंगे हम इसको 15 पिक्सल। 15 पिक्सल सही आ रही है, 15 पिक्सल हो गई है पैडिंग 15 पिक्सल। उसके बाद हम इसको इन लाइन करेंगे, मतलब एक लाइन के अंदर लेके आएंगे। एक लाइन में लाने के लिए जो यूएल के अंदर जो एलआई है उसकी डिस्प्ले हम इन लाइन ब्लॉक कर देंगे। इन लाइन ब्लॉक हो गई है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम मार्जिन पैडिंग वगैरह देना शुरू करते हैं। पैडिंग पैडिंग 15 पिक्सल और मार्जिन इसको टॉप से देंगे। मार्जिन टॉप से हो गया इसका 10 पिक्सल। 15 मार्जिन हमने इसको टॉप से 15 पिक्सल कर दिया है। अब इसी एलआई के अंदर जो एंकर टैग है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, जिससे कि ये नीचे जो लाइन आ रही है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब हम एंकर टैग के अंदर जो कलर है उसको, अब हम एलआई के अंदर जो ए टैग है उसका जो कलर है उसको ब्लैक कर देंगे फिलहाल अभी। और फॉन्ट फैमिली हम इसको भी रोबोटो करेंगे देंगे। फॉन्ट वेट हम इसको 600 करेंगे।
और इसका फॉन्ट साइज हम इसको 16 पिक्सल देंगे, 16 पिक्सल दे दिया हमने इसका फॉन्ट साइज। और कलर हम इसको ब्लैक की जगह थोड़ा डार्क ग्रे कर देंगे। पेज रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा नज़र बन चुका है पेज हमारा। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो देखिए कुछ ऐसा आ चुका है अभी पहले। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, बेसिक बन चुका है। हम इसके अंदर एक पहले क्लास बना देते हैं, हम इस पर क्लास ये बना देंगे कि जो नेविगेशन आईडी के अंदर जो नैव बार है उसके अंदर यूएल है, उसकी यूएलआई की जो क्लास है अगर उस पर एक्टिव लिंक होता है तब जो कलर है, कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो कलर जो है रेड हो जाएगा, पहले हम एक बार इसको मैन्युअली लिख के देख लेते हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर फर्स्ट वाले टैब पे लिखेंगे एक्टिव, ACTIVE एक्टिव, और ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे, रीलोड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि रेड आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मैन्युअली इस पर रेड वाले फर्स्ट वाले पे एक्टिव लिंक लगा दिया है। तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसको डायनेमिकली लगाएंगे जिससे कि जिस पेज पे होंगे उसी पेज के अंदर एक्टिव लिंक काम करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले क्लास हटा लेते हैं, सेव करते हैं। और हमने देखिए यहाँ पे अपनी क्लास तो बनाई ली है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखूँगा PHP का, जो कि आपको अगर समझ नहीं आता तब भी आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम वर्क करता है, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे मैंने PHP ओपन करी, यहाँ पे PHP क्लोज करी। हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे पाथ नाम से, उसके बाद लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। यहाँ पे हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट अंडरस्कोर URI। यहाँ पे क्लोज करके इसको एक बार एको करके चेक कर लेंगे। तो देखिए रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, REQUEST। तो देखिए स्पेलिंग भी सही हो चुकी है। तो हमने इसको एको करके पेज रीलोड करा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अभी इंडेक्स पेज के ऊपर हो और आपकी डायरेक्टरी का नाम एक्टिव अंडरस्कोर लिंक है। अब मैं इसमें अबाउट के पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे अबाउट चेंज हो जाएगा, सर्विस के पेज पे जाऊँगा तो यहाँ सर्विस चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह अब मैं इसी पाथ के हिसाब से इसको टारगेट करूँगा। तो इसके आप इसके नीचे सेम इसी वेरिएबल को फॉलो करेंगे, पाथ लिख के आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लोड के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश देखिए इस एक्टिव के पहले भी एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है और सर्विस से पहले भी लगा हुआ है। तो हम इसी फॉरवर्ड स्लैश के हिसाब से इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे कोमा लगाने के बाद दूसरी वैल्यू में हम यहाँ पे पाथ लिख देंगे, मीन्स हम इसको बता देंगे कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है जो कि ये है, इसके अंदर हमें सेपरेट करना है इस फॉरवर्ड स्लैश से इसकी वैल्यू को। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे पाथ अंडरस्कोर। अब इसके अंदर पाथ के अंदर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर ये दो एरे में डिवाइड हो जाएगा, एक एक्टिव लिंक और एक सर्विस डॉट PHP। तो हमें केवल लास्ट वाला लेना है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एंड एक इनबिल्ट फंक्शन है और एक्सप्लोर भी इनबिल्ट फंक्शन है PHP का।
हम यहाँ पे फिर दोबारा पाथ लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे जो इसके अंदर जितने भी एरे आए हैं उसका हमें लास्ट एरे चाहिए। लास्ट एरे जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जाके एक को करके दोबारा चेक करते हैं। तो देखिए सर्विस डॉट पी एच पी आ चुका है। अबाउट पे करेंगे तो अबाउट डॉट पी एच पी, अभी हमें केवल यही चाहिए था। होम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इंडेक्स डॉट पी एच पी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। अब हम इसी पाथ को कॉपी कर लेंगे और सभी एल आई के अंदर पी एच पी को ओपन करेंगे और पी एच पी को क्लोज करके हम यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देंगे। इफ कंडीशन डालेंगे अगर डॉट पाथ डॉलर पाथ इज इक्वल टू है इक्वल में आपको लिखना है उसी पेज का पाथ। जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स, अबाउट होगा तो अबाउट, सभी का लिख देता हूँ मैं। तो देखिए अगर डॉलर पाथ इक्वल हो कॉन्टैक्ट के, डॉलर पाथ इक्वल हो ब्लॉक के, इसी तरह से मैं सभी पेजेस के यहाँ पे लिंक लगा दिए हैं। अब मैं इन सभी पे एक ही बारी में, अब मैं इस अभी जो इफ ख़त्म हो रहा है इसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। पहले तो हम इसको एको कर देंगे। एको करने के बाद डबल कोट्स के अंदर क्लास इक्वल यहाँ पे सिंगल कोट, यहाँ पे आप लिख देंगे जो हमने क्लास बनाई थी। मीन्स जो भी पाथ एक्टिव होगा, जो पेज मीन्स जो भी टैब एक्टिव होगा वहाँ पे ये क्लास एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लास नेवर है वैसे यहाँ पे क्लास एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा जो भी पाथ एक्टिव होगा। हमने ये लिखने के बाद यहाँ पे एक तो सेमी कॉलम लगाना होगा, स्पेस डाल के एक सेमी कॉलम लगाएंगे। पेज इसको सेव करेंगे, पेज रीलोड करेंगे और अब देखिए मैं होम पेज पर जाता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। स्पेलिंग हम क्रैक कर लेते हैं एक्टिव की, ए सी टी आई वी ई। अब दोबारा रीलोड करते हैं। देखिए मैंने होम पे क्लिक करा हुआ है, होम पेज आ चुका है और यहाँ पे भी पाथ देख सके और ये रेड हो चुका है। अब अबाउट पे करूँगा, अबाउट पेज आ चुका है, यहाँ पे भी अबाउट है, देखिए ये भी रेड हो गया। सर्विस पे जाएंगे, सर्विस का आइकन एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से ब्लॉग का, ब्लॉग पे भी एक्टिव हो गया और कॉन्टेक्टस का भी एक्टिव हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।